हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग जो है चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं 11th क्लास का पढ़ रहे थे हिंदी मीडियम के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले आप लोगों ने देखा था रसायन के बारे में क्या पढ़ा था आपने, सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा था, ऐसे छोटी छोटी हेडिंग्स आई थी। आज जो मेन हेडिंग है इम्पोर्टेंट है, ये कुछ नियम हैं, उनमें से एक दो नियम पेपरों में अधिकांश आते हैं, इसलिए इसको आप बहुत सीरियसली इसको आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो नियम आता है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखिए मैं आपको बतलाता हूं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ये 1779 की बात है, 1779। तो एक वैज्ञानिक थे आंतो एन लावोशिया, इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने बतलाया था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका यानी पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। तो पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, इस बात को इन्होंने सिद्ध किया था। अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 1779, आंतो एन लावुशी। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं ऐसे ही आप भी इसको नोट कर लेना। लावुशी ने इस नियम को दिया था। देखिए एक बात, मैं वापस इस पे चलता हूं एक सेकंड के लिए। रासायनिक संयोग, यहां पर क्या है, तत्व तो आपस में संयोग कर रहे हैं, संयोग के परिणाम स्वरूप जो यौगिक बन रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना रासायनिक संयोग के नियम थे। तो समय समय पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए, जैसे जैसे अध्ययन होता गया, जैसे जैसे खोज होती गई, इन नियमों के बारे में जानकारी होती गई, जिसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमने क्या लिखा, 1779 में आंतो एन लावोशिए ने इस नियम को दिया। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, बहुत ध्यान देना, ये हर पॉइंट पे ध्यान देना, द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अर्थात पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है लेकिन क्रियाकारक के द्रव्यमान तथा क्रियाफल के द्रव्यमान बराबर होते हैं, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।
चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आंतोइन लावुशे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1779 में इस नियम को दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म वो स्टार्ट कर लें और इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म कर दें, तो द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, यानी द्रव्यमान को आप बना नहीं सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, अर्थात पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, लेकिन क्रियाकारक, क्रियाकारक का मतलब जो रिएक्टेंट है और क्रियाफल जो प्रोडक्ट हैं, क्रियाफल कहते हैं प्रोडक्ट को, इनके द्रव्यमान कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी क्रिया के पहले अगर आप सामान को तौल लें, या सामान का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड को तौल लें, और क्रिया होने के पश्चात के कंपाउंड को तौल लें, दोनों कंपाउंडों का योग बराबर ही होगा, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ, इससे पहले मैं आपको एक याद करने की विधि बताता हूँ। आपने भगवान की परिभाषा देखी है, अब बच्चे पूछते हैं सर भगवान की परिभाषा कोई हो सकती है क्या? हाँ जी, हम लोग जानते हैं भगवान की क्या परिभाषा होती है। भगवान अजर अमर है, भगवान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात भगवान जो है जब कलयुग आया तो अपना अलग रूप ले लिया, सतयुग में दूसरा रूप युग आया तो वहाँ पर दूसरा अपना अवतार ले लिया, तो कभी त्रेता में कोई दूसरा अवतार ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया, भगवान अलग अलग रूपों में, जैसे अभी कलयुग में कोई कहता है राम कहता है, कोई अल्लाह मियाँ कहता है, क्रिश्चियंस ईसा मसीह कहते हैं, इन सब के रूप तो अलग अलग हैं, क्या इनको बनाया जा सकता है, क्या इनको नष्ट किया जा सकता है? नहीं, भगवान अजर अमर है। बस भगवान की जगह क्या जोड़ दो आप, द्रव्यमान जोड़ दो। क्या जोड़ दोगे? द्रव्यमान। तो क्या लिखोगे? द्रव्यमान अजर अमर है। अजर अमर का मतलब क्या हो गया, इसको न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नियम भगवान का नियम हो गया। देखिए यहां पे भगवान लिख दिया मैंने, देखिए मैं लिखता हूं भगवान। भगवान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और भगवान को यहां पे देखिए पदार्थ है ये, भगवान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, कभी अल्लाह मियाँ कह सकते हो, कभी राम रहीम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन क्रियाकारक के द्रव्यमान तथा क्रियाफल के द्रव्यमान हमेशा कैसे होते, बराबर होते, चाहे अल्लाह कहो चाहे राम कहो, सब बात एक ही है, कोई अंतर कहीं से कहीं तक नहीं है। बस भगवान की जगह क्या लिख दिया आपने, भगवान की जगह लिख दिया द्रव्यमान। बस डेफिनेशन बन गई आपकी, क्या डेफिनेशन बन गई, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर हो गई, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर एक लैंडोल्ट नाम का एक उपकरण है, आंतोइन लावुशिए ने क्या किया, एक लैंडोल्ट उपकरण लिया, जैसे एच होता है ना आपका, इंग्लिश वर्ड है एच, एच नुमा रहता है यहां पे, ये खुला रहता है, बाद में जब इसमें केमिकल्स डाल देते हैं फिर इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इसमें तो ले लिया AgNO3 और इसमें ले लिया NaCl, ध्यान देना, इसमें तो ले लिया AgCl, वो सॉरी Na, AgNO3 और यहां पर ले लिया NaCl, तो साइड ए AgNO3, साइड बी NaCl। अब इसको लेने के बाद में खूब हिलाया, क्या किया, हिलाया। अब हिलाने से क्या हुआ, देखिए ये AgNO3 है प्लस NaCl, दोनों को मिलाया, मिलाया हिलाया खूब। अब हिलाने से क्या हुआ, रिएक्शन करेंगे आपस में, AgCl बनेगा और प्लस NaNO3 बनेगा। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इस पदार्थ को लिया और पदार्थ को तोला, इसका द्रव्यमान निकाला। अब द्रव्यमान निकालने के बाद में क्या किया, जब रिएक्शन हो गई, ये बन गया इसके अंदर, ये पदार्थ बन गया, ये सब मिलकर के AgCl, तो इसको भी तोला, इसका द्रव्यमान किया, इसका वेट किया। वेइंग करने के बाद में इन्होंने पाया कि दोनों के द्रव्यमान कैसे थे, बराबर थे। मैं अपनी बात कह गया, लैंडोल्ट मैं लिख देता हूं, आंतोइन लावुशिए ने क्या किया, लैंडोल्ट उपकरण में AgNO3
जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही लिखना, क्या लिखोगे? लैंडोल्ट उपकरण में, उपकरण में मैं लिख देता हूं एक लाइन, AgNO3 एक तरफ, दूसरी तरफ NaCl मिलाकर हिलाया, हिलाया। अब हिलाने से, हिलाने पर AgCl और NaNO3 प्राप्त हुआ। यहां तक आपने लिख लिया, इसके बाद में एक लाइन और लिखना, क्रियाकारक यानी इनके द्रव्यमान को तोला, ऐसी लिख लेना अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, तोला, और बाद में इसके द्रव्यमान को तोला, दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर थे, जो इस बात को सिद्ध करता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह बात आपकी समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, यह तो लैंडोल्ट के उपकरण से था। सामान्य तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपको और बतलाता हूं, जनरल अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से समझा देते हैं। यह तो स्टार्टिंग का था। एग्जाम्पल नंबर टू, आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है आपको पता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहां पर 2 है, कितना हो गया? 16 टू जा 32। इसका एटॉमिक वेट निकाल करके जोड़ो, 12 एंड 32 44, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 44 एटॉमिक वेट। इसका भी AMU एटॉमिक मास यूनिट कितनी है? 44। दोनों का कितना हो गया? बराबर हो गया। जो द्रव्यमान संरक्षण के, संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो यहां पर यह बात लिख लेना कि क्रियाकारक, ये क्या चीज है? क्रियाकारक यानी अभिक्रिया से पूर्व क्रियाकारक का द्रव्यमान, और अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात क्रियाफल, उत्पाद लिख देता हूं, सरल भाषा रहेगी आपको, उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। यह बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट आता है, यह एक नियम हो गया। देखिए दूसरा नियम आता है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, देखिए कोई दो तत्व है। अब इस नियम को क्या हुआ था, दो तत्वों को लेकर के 1779 में एक जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, बहुत याद रखना, जोसेफ, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, अपने जोसेफ लिख दो चल जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नियम को दिया था, ने इस नियम को दिया था, इस नियम को दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था, कोई कोई भी शुद्ध यौगिक प्राप्त हो, तो दिया था इस नियम के अनुसार, इस नियम अनुसार क्या कहा था, इन्होंने कहा था शुद्ध यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, इन्होंने कहा था शुद्ध यौगिकों में, यौगिक समझते हो ना, तत्व मिल मिल करके, कई तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यौगिक की डेफिनेशन पीछे आप लोगों ने पढ़ रखी वही है, शुद्ध यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमानों, अब द्रव्यमान समझ लो ना, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो होता है, द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है,
कैसे स्थिर रहेगा? अनुपात स्थिर रहता है, कैसे स्थिर रहेगा? देखिए इसको समझने से पहले एक लाइन और लिख देते हैं, स्थिर रहता है। इसको ऐसे ही कैसे आप उतारते जाइए, स्थिर रहता है। चाहे वह यौगिक किसी भी विधि के द्वारा बनाया गया हो। देखिए क्या कहा 1779 में, यानी 1779 में जोसेफ प्रॉस्ट ने इस नियम को दिया था। ये इसलिए याद करना क्योंकि अपने 11th में तो काम चल जाता है, लेकिन कंपटीशन में इसका काम जरूर है, याद करना ही पड़ेगा। तो कहीं पर भी लिख करके इसको याद करते जाना। तो ने इस नियम को दिया था, इस नियम के अनुसार शुद्ध यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि के द्वारा बनाया जाता। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व है। अब देखिए एक ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, अब दो तत्वों से मिलकर के बना है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको चलो गर्म करते हैं, गर्म कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। अब देखिए यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये क्या कर रहा है, यौगिक में किसी भी विधि से बनाया गया हो इनका अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। अब CO2 ले लिया हमने, कार्बन का कितना है 12, इसका कितना हो गया 32, 3 अनुपात 8, अर्थात CO2 आप किसी भी विधि के द्वारा बनाओ इसमें अनुपात 3:8 ही होगा, अर्थात स्थिर रहता है। इसी को हम लोग कह देते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और बतला सकता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लें। इसको आप लिख लिया होगा, क्या लिख लिया आपने, देखिए मैं फिर से बतला दूँ, आपने शायद नहीं लिख पाया हो। देखिए CO2 है, CO2 में ये कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, तो ये सॉरी 16 दूनी 32 नहीं हो गया क्या, 32 हो गया। तो 32 अगर इसके अनुपात को आप देखेंगे तो कितना हो गया, इसके अनुपात को देखेंगे तो ये आ गया 3:8। तो ये 3:8 ही रहता है, चाहे वो CO2 यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, कैसे किसी भी विधि के द्वारा बनाओ, आपका अनुपात 3:8 ही होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बहुत सरल सा देता हूँ जो आपको याद हो जाए। जैसे पानी की बात कर देते हैं, पानी का सूत्र होता है वाटर, जिसको कहते हैं हम लोग, पानी का सूत्र होता है H2O। अब आपने पानी झरने का लिया, झरना समझते हो ना, फाउंटेन की बात कर रहे हैं। रेन वाटर ले लें, वर्षा का पानी, टैप वाटर ले लें, नल का पानी, वो किसी भी स्रोत के द्वारा आपके घरों में भेजा गया हो नल का पानी, सभी का सूत्र क्या है H2O, सभी का सूत्र क्या है H2O, सभी का सूत्र क्या है H2O। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2:16, क्योंकि H का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना है 16, तो इसका रेशियो हो गया 1:8। इसमें भी आप देखेंगे 1:8 ही निकलेगा, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, ये जो यहाँ है वही यहाँ है, वही ये है। हम अपनी बात कह गए कि कोई से भी स्रोत से किसी भी विधि के द्वारा, चाहे वो वर्षा के द्वारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त हो, चाहे झरने के द्वारा प्राप्त हो, चाहे नल के द्वारा प्राप्त हो, वाटर का जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो स्थिर होता है। इसी को हम लोगों ने कह दिया स्थिर अनुपात का नियम। ये बात जोसेफ प्रॉस्ट ने बताई थी, शायद आपकी समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड नंबर था। अब हम लोग ये लिख लेना और स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, धीरे धीरे लिखते जाए ना, नोट्स बनाना जरूरी है। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप हमें कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपको कोई PDF वगैरह या कहीं कोई छोटी मोटी हेल्प जो हमसे हो सकेगी वो हम करेंगे। बाकी आप बुक से थोड़ा सा कंसल्ट जरूर करते जाना अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो। अब आता तीसरा नंबर, गुणित, जिसे गुणित भी कह देते हैं हम लोग, गुणित अनुपात का
नियम, कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। तो जब दो तत्व आपस में संयुक्त हो, जब दो तत्व परस्पर संयुक्त होते हैं, क्या कहा हमने, जब दो तत्व परस्पर संयुक्त होते हैं और एक से अधिक प्रकार के, एक से एक नहीं, एक से अधिक, एक से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, ये आप तो एक बार ऐसे का ऐसा लिखते जाओ, निर्माण करते हैं। तो अब इसमें बात क्या आती है, निर्माण करते तो एक तत्व का निर्माण, यानी एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले, तो एक तत्व के साथ संयुक्त, संयुक्त समझते हो ना, आपस में मिलने को कहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त। तो संयुक्त होने वाले द्रव्यमानों में, होने वाले द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। कैसा अनुपात होता है? एक सरल अनुपात होता है। अनुपात होता है, देखिए फिर से अपनी बात दोहरा देते हैं। जब दो तत्व, मैं लिख देता हूं, जब दो तत्व परस्पर संयुक्त होते हैं तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व के साथ, थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा अलग है, मैंने सरल कर दिया इसको जिससे कि आप याद कर सको, बुक में थोड़ा अलग है। तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले द्रव्यमानों में सरल अनुपात होता है। तो अब इसके बाद में देखिए, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, N2O3 N2O4। अब आप इसमें देखिए, एक तो तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर के N2O3 बना रहे हैं और एक बना रहे हैं N2O4। अब इसमें देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं? दो। नाइट्रोजन कितने हैं? दो, अर्थात 14 2 कितना होगा? 28। 14 2 28, ये तो बराबर हैं, समान हैं, इनकी बात नहीं करेंगे, समान है, इनकी बात नहीं करेंगे। अब बात किसकी करेंगे? ऑक्सीजन की। ये कह रहा है एक से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण हो गया, तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले एक तत्व, ये रह गया ये तत्व, क्योंकि इनका अलग है, होने वाले द्रव्यमानों में सरल अनुपात होता है। देखिए कैसे, 16 का गुणा करो 3 में, 48 हो गया, 64 हो गया। और वैसे भी आप देखिए फिर से क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे। मैं आपको एक सरल तरीका बतलाता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट बराबर है, 16 है, तो यहां पर सीधा आप लिख दीजिए 3:4, इस वाले ऑक्सीजन का कितना हुआ, 3:4, अर्थात एक कैसा अनुपात हो गया, अर्थात एक सरल अनुपात है। इसके बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, NO2 बन सकता है, NO3 बन सकता है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, 1:2:3:4:5, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन आप एक सरल सा एग्जाम्पल आप नोट कर लें, फिर धीरे धीरे सीखना क्या करना। N2O3 लिख लिया, N2O4 लिख लिया, यहाँ पर इनके संख्या कैसी है बच्चों, समान है, समान है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब किसको लेंगे, ऐसे इनको ऑक्सीजन को ले लें, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका रेशियो क्या निकल गया है, 3:4, क्यों, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका भी 16 48 हो जाता है, इसका कितना हो जाता, 64 हो जाता। तो फिर 16 से भाग देते, तो क्या किया हमने, इसको सरलता से करने के लिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया 3:4, अर्थात एक सरल अनुपात है। इसी को हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या एक एग्जाम्पल और ले लूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब कार्बन से ऑक्सीजन से क्या बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कंपाउंड बन गए, दो कंपाउंड बन गए। यही बात तो डेफिनेशन करी, जब दो तत्व परस्पर संयुक्त होकर के
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नहीं हो सकता था, ये संयुक्त होकर के एक ही बनाता है, अर्थात ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या कह रहा है, दो तत्व परस्पर संयुक्त होकर के एक से अधिक प्रकार के। अब हाँ, यहां पर अगर आप ये ले देते तो क्या हो जाता, दो तत्व हो जाते, ध्यान रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहां पर इसका रेशियो कितना हो जाता, 1:2। तो यहां पर ये भी एग्जाम्पल के रूप में बना सकते थे, लेकिन हम लोग इसको एग्जाम्पल ले लिया। देखिए ये और ये तो कैसे हैं, मैं लिख देता हूं समान है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन देखिए ये एक है, यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितनी है, दो। तो 1:2 कैसा हो गया, सरल अनुपात हो गया, तो सरल गुणित अनुपात हो गया एक तरीके से। तो इसी को हम लोग कह देते हैं गुणित अनुपात का नियम, इसी को गुणित अनुपात का पात का नियम कहते हैं। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल और भी बन रहे थे लेकिन ठीक है, एक दो एग्जाम्पल आप याद करिए, कुछ बुक से एग्जाम्पल्स ले लेना, कुछ अन्य आपके पास में हेल्पिंग बुक्स हों उनसे भी एग्जाम्पल लेना और इनको बनाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। थ्योरी हमने बतला दी, तीन नंबर हो गया, बोलो बच्चों कौन नंबर हो गया, तीसरा। अब एक चौथा नंबर और ले लेते हैं थोड़ा सा, चौथा नंबर क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, चार नंबर, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब देखिए तीन नियम हो गए आपके, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब इस नियम को एक रिचटर नाम के वैज्ञानिक थे, इस नियम को रिचटर याद कर लेना, रिचटर नामक वैज्ञानिक। अब पेपरों में क्या करते हैं, जो कंपटीशन की पेपर होते हैं वो पूछ देते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था, तो आप कह सकते हो रिचटर ने दिया था, बाय द वे सन और पूछ दे। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 1792 इसमें दिया था, तो ये भी आपको याद रखना, 1792 में दिया था। क्या कहा था, इस नियम के अनुसार अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि कोई दो तत्व हैं, किसी तीसरे तत्व जो समान द्रव्यमान का है उनसे परस्पर क्रिया कर रहा है, अलग अलग क्रिया कर रहा है, तो उसके अनुपात के बारे में कह रहा है। तो ये लिखते चलिए इसको, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जब दो तत्व, मैं लिख इसलिए रहा हूं कि जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाए, 11th क्लास है फाउंडेशन की, तो इसमें आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो जब दो तत्व किससे, अभी हमने कहा दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ, तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग के साथ, अभी समझाता हूं इसको, अलग अलग, एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना, इस नियम को रिश्टर नामक वैज्ञानिक ने 1792 में दिया था। इस नियम के अनुसार कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के, कोई दो तत्व मान लीजिए ये आपने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व के साथ, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं H2O, ये क्या बनाएगा CO2, यहां पर क्या बनाएगा CH4, मैथेन कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया H2O के साथ अलग अलग क्रिया करते हैं। अब देखिए अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है H2O, हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है मैथेन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात, तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात घुमा घुमा करके डेफिनेशन है वैज्ञानिकों ने दी है, ध्यान रखना, तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात या तो समान होते हैं, या तो कैसे होते हैं समान होते हैं,
या पूर्ण गुणज होते हैं, देखिए डेफिनेशन कैसे घुमाई है, ये यहां से स्टार्ट। जब दो तत्व, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए दो तत्व है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं लिखता चलता हूं तो शायद समझ में ज्यादा आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में कम आएगा। जो माना दो तत्व, तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, किसी निश्चित द्रव्यमान वाले तीसरे तत्व। अब तीसरा तत्व कौन सा हो गया, तीसरे तत्व देखिए कौन सा, कार्बन। अभी मैं यहां पे बड़ा बनाऊंगा, ये तो सब समझाने के लिए छोटा सा बना रखा है। तीसरे तत्व सी के साथ क्या कर रहा है, किसी तीसरे तत्व के साथ में सहयोग करता है, निश्चित द्रव्यमान है, इसका ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या बना, माना दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी निश्चित द्रव्यमान वाले, निश्चित द्रव्यमान वाले तीसरे तत्व कार्बन के साथ संयोग करता है। अब इसमें क्या कह रहा है, कार्बन के साथ संयोग करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको एग्जाम्पल को यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा। क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, आपस में संयोग करेंगे, किसी तीसरे तत्व के साथ भी संयोग करेंगे, मान लीजिए कार्बन है इसके साथ संयोग कर रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे क्या बनाएंगे, H2O, और कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे मैथेन का फॉर्मेशन करेंगे, CH4 के नाम से आप जानते हो, और कार्बन और ऑक्सीजन, अब कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाएगा, निश्चित द्रव्यमान हो गया। अब इसका क्या है, निश्चित द्रव्यमान हो गया, कार्बन का निश्चित द्रव्यमान है, कितना होता है ये हम लोगों को याद है, 12 है, 12 को लेकर के 12 भाग लेकर के चलेंगे कि 12 भाग इसका संयोग करता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है बिल्कुल, सिर्फ समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। मान के चलिए कि आपने CH4 का ले लिया, CH4 में, CH4 की बात करते हैं, CH4 में कार्बन का कितना है, 12 है, तो भारानुसार, मैं इसलिए लिख दिया भारानुसार, नहीं कंफ्यूजन हो जाए कि आप तो कहो कार्बन तो एक है हाइड्रोजन चार है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, भारानुसार, भार के अनुसार कार्बन 12 है, यानी कार्बन के 12 भाग संयुक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं बराबर 4 भाग हाइड्रोजन से, चार भार भाग कर दें ऐसे, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब क्या हो गया, एक कार्बन के एक भार भाग संयुक्त होगा कितना, 4/12। एक चीज याद हो गई आपको, अब इसमें देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड में ये नंबर एक हो गया, ए निकाल दिया हमने, बी निकाला, बी क्या कह रहा है, CO2 में, अब CO2 की बात करें, CO2 में क्या होगा, वही जैसे इसमें लिखा है 12 भाग कार्बन के 12 भाग संयुक्त होते हैं, होते हैं बराबर ऑक्सीजन के कितने, 32 भार भाग से, 32 भार भाग से, अब 32 से संयुक्त हुए, तो एक कार्बन के एक भार भाग संयुक्त होगा कितने से, 32/ कितना हो गया, 32/12 हो गया, हो गया ना, क्योंकि 12 था अपॉन आ गया। अब इनका अनुपात निकालिए, इनके द्रव्यमानों का आपस में अनुपात निकालो, भाई कार्बन कार्बन एक जैसे हो गए, दोनों में संयुक्त हैं, भाई इसमें देखिए ये किसका था, CH4 का था, ये किसका है, CO2 का, अब CH4 और CO2 में C और C कैसे समान है,
अब इनका अनुपात निकालना है। अब इनका अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे कार्बन सॉरी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे। कितना निकलेगा देखिए, चार बारह और ये निकला जा करके अनुपात 32, 12, 12 से 12 काट दीजिए, 1:8 कितना निकला, इतना निकला। अब तीसरा देखिए, ये बात क्लियर हो गई ना, उतार लिया होगा आपने, फिर से एक बार समझ लो, साफ करूं इससे पहले आप एक बार फिर समझ लीजिए। कार्बन के 12 भाग संयुक्त होते हैं चार भाग हाइड्रोजन से, चार हाइड्रोजन के है ना CH4 में, तो एक भार भाग के लिए कितना होगा, 4/12 क्लियर हो गया। CO2 में क्या हो गया, 12 भाग संयुक्त होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। 32 के बाद में हम लोगों ने क्या किया, C के एक भार भाग में, तो 32/16 हो गया। इनका अनुपात निकाल दिया आपस में, आपस में अनुपात निकाला तो कितना आया, H2O का अनुपात कितना आ गया, H2O का अनुपात हो गया 1:8। तो H2O में लिख देते, H2O में यानी एच और ओ में ये निकाल दिया हमने H2O के लिए। अब तीसरा पॉइंट बचा एक, ये बचा, अब इसको समीकरण नंबर एक डाल दिया। अब H2O में अनुपात, H2O में अनुपात आप निकालें तो कैसे निकालेंगे, H2O में जब आप अनुपात निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2:32 कितना है 1:8, इसको दो नंबर डाल दो, समीकरण एक एवं समीकरण दो 1:8 काट दीजिए, 8 से 8 कट जाएंगे, कितना है 1:1 कितना आ गया 1:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो सरल गुणित अनुपात हैं। ये कैसे हो गए, दो सरल गुणित अनुपात हैं, अतः ये किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है, अतः ये व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है। तो ये आपने देख लिया, मैं एक बार फिर से समझा दूं, देखिए क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ लोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए ये H2O है, एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, तीसरा तत्व ये है, तीसरे इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसके साथ संयोग कर रहा है, ये तो बना रहा है CH4, ये संयोग कर रहा है, ये दूसरा तत्व, देखिए ये पहला तत्व है और ये कैसा है, दूसरा तत्व है, पहला तत्व संयोग कर रहा है C के साथ तो क्या बना रहा है CH4, दूसरा तत्व संयोग कर रहा है क्या बना रहा है CO2, ये CO2 बना रहा है, तो ये बन गया। अभी CH4 में आपने देखा 12 भाग कार्बन के चार भाग हाइड्रोजन के साथ संयुक्त करता है, तो 4/ कितना हो गया 12, एक पॉइंट निकला। दूसरा पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 12 भाग कार्बन 32 भाग ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, दूसरा ये हो गया। अब इनका रेशियो निकाल दिया था, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल है आपस में। अब ये क्या निकाला था 1:8, अब ये बचा है एक तीसरा नंबर बचा H2O, अब H2O में निकाला, इसका कितना निकला 1:8, हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर एक, इसको डाल दिया समीकरण नंबर दो, ये समीकरण नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको डाल रखा है, समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो, समीकरण एक एवं समीकरण दो से, तो 1:8 एंड 1:8, तो 1:8 कितना हो गया, ये देखिए 1:1 यानी समानुपातिक का निशान चार डॉट लगा करके भी आप कर सकते हैं इसको, तो अब ये क्या हो गया, आपस में कट जाएंगे, समानुपातिक निशान है ये, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जो रेड कलर से ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अब एक और नियम बचा आपका, अभी मैं समझाता हूं, आज के टॉपिक में एक नियम और बचा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो गैलुशेक नाम का था वैज्ञानिक, उसने दिया था, गैलुशेक, हिंदी में हम लोग गैलुशाक लिख देते हैं, कोई बात नहीं, गैलुशेक सही जो नाम है वो गैलुशेक है, तो गैलुशाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम, तो आयतन के संयोजन का नियम भी कह देते हैं, आयतन संबंधी नियम या आयतन के
संयोजन का नियम, देखिए क्या कह रहा है। गैलुसाक नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था 1808 में, याद रख लेना। वैज्ञानिक का नाम क्या है? गैलुसाक। तो यहां पर भी आपको क्या लिख देना है? गैलुसाक ही लिख देना। तो गैलुसाक ने 1808 में क्या कहा था? एनटीपी पर सामान्य ताप व दाब पर। अब बच्चों यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, एनटीपी भी लिख सकते हो, सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। क्या कह रहा है? गैसीय अभिक्रियाओं में, कौन सी अभिक्रियाओं में? गैसीय अभिक्रियाओं में, गैसीय अभिक्रिया समझते हो ना? देखिए अभी तक जितनी भी बात आई, पदार्थ के द्रव्यमान की बात आ गई, कभी किसी की आ गई, धीरे धीरे जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला गया, वैज्ञानिकों ने कहा गैस तो आयतन में होती है, बोले हाँ साहब आयतन में होती है, तो आयतन में होती है तो बोले उनका अनुपात क्या होगा, बोले हाइड्रोजन है क्लोरीन है आपस में मिला दो तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये चर्चाएं निरंतर चलती गई। जब चलती गई तो यहाँ पे गैलुसाक ने क्या किया, 1808 में इस नियम का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने बतला दिया था कि इसमें गैसीय अभिक्रिया में अब दो चीजें हैं, मैंने अभी अभी बात कही, एक तो है क्रियाकारक। क्रियाकारक समझते हो क्या? क्रियाकारक का मतलब होता है जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो वो गैसें जो आपस में अभिक्रिया करती हैं। एक शब्द और आएगा क्रियाफल। तो क्रियाफल क्या कहेगा? जो उत्पाद में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये कह रहा है क्रियाकारक एवं क्रियाफलों, क्रियाफलों, देखिए आ गया दोनों शब्द आ गए, एक तो आ गया क्रियाकारक और दूसरा आ गया क्रियाफलों के आयतन परस्पर, के आयतन परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं में अब ये छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जो पहले लिखते हैं ना संख्या, उसके बारे में बात कर रहा, छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहते हैं, अनुपात में। अब अनुपात में रहते का मतलब क्या होगा? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, Cl2 के साथ H2 प्लस Cl2 2HCl बनाया। अब आप यहां पर देखिए, इसका हाइड्रोजन एक आयतन है, क्लोरीन एक आयतन है, आयतन को हमने V से लिख दिया, कितना आयतन बन गया? 2 आयतन बन गया, 2V। अब एक आयतन एक आयतन, इसका रेशियो क्या? 1:1:2। तो ये कैसा हो गया? सरल अनुपात हो गया। तो यही बात कह रहा है, सामान्य ताप व दाब गैसीय अभिक्रिया में पर शब्द भूल गया था मैं, पर गैसीय अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफल, क्रियाकारक का मतलब जो अभिक्रिया करते हैं, एवं क्रियाफलों के आयतन, क्रियाफलों के आयतन, क्रियाफल ये क्रियाकारक है। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से आपको समझाने के लिए, ये क्रियाकारक है और ये क्या है? क्रियाफल है। फिर से समझिए, क्रियाफल के आयतन परस्पर एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहते हैं, इसी को हम लोग गैलुसाक के गैसीय आयतन संयोजन का नियम कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल था बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लिख लेना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें और बढ़िया सा बेटा याद करें, बहुत मेहनत करें, आपके जीवन का प्रारंभ है जो 11th क्लास है, वो जीवन का प्रारंभ होती है। और आप वचनबद्ध हो जाओ कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ कोशिश जितना मुझे आता है बच्चों उतना मैं बतलाऊंगा, और आप तो आगे चल के वैज्ञानिक बनोगे, महान आदमी बनोगे, भारत के बहुत अच्छे नागरिक बनोगे। तो निश्चित रूप से सभी जगह से कलेक्शन करो, जहाँ से जो भी मिले और उसका कलेक्शन करो। जैसे वैज्ञानिक अलग अलग हैं, अलग अलग वैज्ञानिक आपको दे रहे हैं, तो ऐसा आप करते जाओगे और भविष्य में बहुत आगे जाओगे। स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू वेरी मच।